小心，那不说话就看到了。我这边这里三百多块钱下去，二十年内天天地，如果给上面的那些一直的地天天地上的这些啊，其实可是这些一看一看三岁的孩子，那可是这种说法真的我去上下线两个也不在啊，其实这方面给很多人感受也给狮子吃，这是什么呀？要是说还是不能买，我给你介绍的建议一块还是这样子，要是忙着一块挣钱了，我不看着我的忙碌，我给你的介绍的也是这么回事。
他全世界一样的教材，一样的，所有这一个人，我还得如果在家里，我们就互相讲的这样的事情。我说你我在，好几个小时我站在身体，好几次讲身体什么事情，还是非身体。他们每天在阿姐的身体，他昨天不是可以，他是今天来些医生和技术生的去，好像为医院的生产方式发展了，叫他们做十二的钱，假如是三人家业，把他看到是这个家业。就是孙丹夫人让这个对从这时候以及把夫妻给他让他说出去我就想起来以后者我洗澡的可能是这个给就是孙丹夫人来介绍出去我说今天这些在今天的都是干不干的我什么人也是मेरी नाराजगी होगी क्योंकि सुबह से रात तक मेहनत करना पेशेंट की देखभाल करना ये अपना फर्ज है ये समझ कर काम करते और उधर मुझे देखने के बाद मुझे जो कुछ ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी वो ऑपरेशन आठ दिन के बाद गया अभी इसको आज 20 साल हो गए तो मुझे 6 महीने के सुझाव देने वाले डॉक्टर को मैंने बोला करता कि अभी 20 साल हुए तुम्हारी उम्र क्या इसमें मजे की बात छोड़ी है मगर हो सकता मुझे याद है जो कैंसर का दर्द है यह दर्द से तकलीफ ज़्यादा होती है कैंसर से पूरा विश्वास है इसे छुटकारा हो जाए ये है कि हमारे साथी डॉक्टर सोहेल अखंडाला फिर को उन्होंने सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर नाम की एक छोटी इंस्टीट्यूट यह सुनती गरीब लोगों को अपनी तरफ से अपने संगठन के तरफ से कुछ न कुछ मदद करने की कोशिश उनकी होती है मेरा सुझाव है कि ऐसे इंस्टीट्यूट का हमेशा हम लोगों ने मदद करनी चाहिए मैं तो कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता यहाँ जैसे सिद्धि के हमारे साथी वैसे है कल मुझे पूरा जाना हुआ और वहाँ से दिल्ली जाना होगा पार्लियामेंट का सेशन चालू है और इसलिए अगले 8-10 दिन जो है यहाँ नहीं हूँ इसलिए मैं दर्शन सिद्धि सिंह साहब को सुझाव देता हूँ कि परसों मेरे दफ्तर में जाइए मैंने नाम दिया है कि जो हमारे एक साथी हमारे एक इंस्टीट्यूट का काम देखते हैं उनको जाकर मिलिए और एक 15 लाख रुपये का चेक लेकर इस करिए और हमारा सुझाव लोकल वाले जी को यह है कि पैसे किसी को मत दे दो ये लाइन करो मेरा और लाइन का जो सूद लेगा मैं जानता हूँ अब सूद लेते नहीं मगर ये कैंसर पेशेंट के लिए है और इसलिए इसका जो इंश्योरेंस आएगा मुझे पूरा विश्वास है आप 10,000 हर पेशेंट को देते हैं तो इसके 9 पेशेंट या 10% इसकी जिम्मेदारी इससे ले सकते हैं ये काम यहाँ से शुरू करो हमारा ये सुझाव है और मेरा सुझाव के साथ साथ बाकी जिनकी ताकत है चाहे 1% को मदद करने की 2% की मदद कर सकते जो कुछ कर सकते हैं
ऐसे ऐसे तो मदद करे और इस मरीजों को बाहर निकलने के लिए और फैलियर को बचाने के लिए आप साथ दे दो, इसका मैं कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है इसका मुझे करना ये खुदा है थे। आज इसके जो प्रेसिडेंट थे एडवोकेट यूसुफ भाई, उन्होंने केयर कैंसर के लिए उन्होंने एक तय किया, उनके मैनेजिंग कमेटी इसकी मीटिंग 17 अक्टूबर को हो गई और तो इस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि जनखाना विल डोनेट 5% उनके सब साथी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम की शुरुआत उन्होंने यहाँ से शुरू की और इससे जो कुछ आगे जाने के लिए अच्छे काम को मदद करते हुए जो आ सकते हैं सामने आगे उन सभी साथियों ने ध्यान देना चाहिए। इतना मैं कहकर आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। मेरी नसीब सिद्दीकी के साथ मैं समझता था कि आप मेरी भलाई की बात करते हैं। अच्छा जी, तो नसीब हितों की रक्षा करने वाले साथी है ऐसा मेरा समझता ही उनके सकता। और जब वो भाषण करने के लिए वो उठे यहाँ और उन्होंने जो शुरुआत की कि इस मोमेंट में इस फवाद साहब यहाँ आ गए, ये क्या बोल रहे हैं, हम बूढ़ा हो गया, हम बूढ़ा हो नहीं सकते, कई लोगों को बाकी कुछ भी कही है मुजफ्फर की बात कही है मजे की बात छोड़िए। अब सभी के सामने इस सब जनपद को ये जो सच्चे की जगह है वो ले जाएगा। फोटोग्राफर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।